हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो प्रीवियस सेशन मैंने किया था साथियों, उसमें आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी, काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी और इस प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इस वजह से मैंने कहा यार, मैंने इसको चेक किया, अपने टेक्निकल टीम को बोला, तो मैं इसके बाद में फिर से इसको रिव्यू कर दे रहा हूँ, ठीक है। यह आपका सेमेस्टर फर्स्ट होगा, ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट का अध्याय फर्स्ट। साथियों, इसमें अपन चर्चा करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। साथियों, ये आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सेशन होगा, इसमें अपन थ्योरी को एकदम डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी इंक्वायरी या किसी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा एक सेकेंडरी चैनल है सुदामा सर, उस पर जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है साथियों। ये आपकी सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है साथियों। चलिए साथियों, अब आपको रोज डेली लाइव सेशन मिलेगा, ठीक है। अल्टरनेट डे आपको थ्योरी का सेशन मिलेगा, देन उसके बाद में उस सेशन का आपको एमसीक्यू मिलेगा, ठीक है। उस एमसीक्यू से आप क्या करोगे, अपना खुद का टेस्ट कर सकते हैं कि मैंने इस सेशन से कितना अर्न किया है, ठीक है। और कंप्लीट जानकारी के साथ मैं मेरी टेक्निकल टीम से बात करके आपको टाइम भी बता दूंगा, ठीक है। टाइम के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। चलिए साथियों, सभी स्टूडेंट्स अपना अपना आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलिए साथियों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले विद्युत की खोज किसने की? आप सभी को पता होना चाहिए साथियों, जो विद्युत कार्य की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने आईटीआई कर ली है, तो आईटीआई का करने का मतलब ही यह है कि अपने को टेक्निकल का नॉलेज पूरा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, फर्स्ट आपका दिया है वैज्ञानिक ओल्टा ने, बी आपका दिया है वैज्ञानिक फेराडे ने, सी आपका दिया है वैज्ञानिक थेल्स ने और डी दिया है उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए सभी कमेंट कीजिएगा अपना अपना आंसर। चलिए जल्दी से इसका आंसर अपन देख लेते हैं साथियों। स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। सबसे पहले वैज्ञानिक थेल्स ने विद्युत की खोज की थी, इसकी डिटेल देख लेते हैं अपन। साथियों, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने कहरवा नामक पदार्थ की छड़ को रेशम से रगड़कर उसके द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने में सफलता हासिल की, ठीक है। थेल्स ने इसी प्रवाह को इलेक्ट्रिक विद्युत का नाम दिया, ठीक है। साथियों, मैं थ्योरी को एक तरह से मॉडिफाई करके आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ना अच्छे से लर्न हो, ठीक है। चलिए जो आज भी उसी रूप में प्रचलित है, ठीक है, क्योंकि यह विद्युत स्थिर स्वभाव वाली थी, अतः इसे स्टैटिक विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया, ठीक है। साथियों, जो वैज्ञानिक थेल्स ने इसकी खोज की तो उन्होंने इसके दो इफेक्ट देखे, ठीक है, दो प्रभाव उन्होंने देखे। पहला कौन सा था? स्थैतिक विद्युत, ठीक है, यह स्थिर स्वभाव वाली थी। यह कौन से स्वभाव वाली थी? स्थिर स्वभाव वाली, ठीक है। 19वीं शताब्दी में ओल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक पदार्थों की पारस्परिक क्रिया से ऐसी विद्युत पैदा की जिसे तारों में प्रवाहित किया जा सकता था, उपयोग में लाया जा सकता था, ठीक है। यह विद्युत डायनेमिक विद्युत कहलाई, ठीक है साथियों। वैज्ञानिक थेल्स ने जो प्रभाव देखा, ठीक है, वह प्रभाव स्थिर स्वभाव वाला था, ठीक है, वह प्रभाव स्थिर स्वभाव वाला था। देन उसके बाद में वैज्ञानिक ओल्टा नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक दूसरा प्रभाव देखा इसका, कौन सा, जिसको अपन एक जगह से दूसरी जगह उसको प्रवाहित कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं, तो उसको उन्होंने
नाम दिया चल विद्युत, ठीक है, डायनेमिक विद्युत कहलाई। चलिए साथियों, मैं समझता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। साथियों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतकार इलेक्ट्रीशियन के कार्य क्या क्या हैं। जैसा कि आप सभी भाई लोग जो जिन्होंने आईटीआई कर ली है वो विद्युतकार बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्या बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, विद्युतकार इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन के कार्य क्या क्या करने होंगे उनको, ये सभी सारी चीजें उनको पता होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं साथियों, विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत कार्य करने वाला कारीगर ही विद्युतकार कहलाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में अपन यूं कहें, व्यावसायिक प्रशिक्षण की वह शाखा जिसमें विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण एवं मरम्मत का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, विद्युतकारी कहलाती है, ठीक है। इस ट्रेड के अंतर्गत वैद्युतिक मोटर, जनित्र, अल्टरनेटर, कन्वर्टर, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफॉर्मर एवं घरेलू वैद्युतिक वायरिंग आदि के अनुरक्षण तथा मरम्मत कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है साथियों, जो कि समाज एवं उद्योगों का एक आवश्यक अंग बन चुका है। साथियों मैंने देखा है कि जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेज है ना, उनमें एक्चुअली स्टूडेंट्स को सही तरीके से उनकी थ्योरी पढ़ाई नहीं जाती, ठीक है। इसलिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको कंप्लीट थ्योरी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर पढ़ने के बाद, हमारी वीडियो देखने के बाद आपको कहीं दूसरी जगह देखने की भी आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। चलिए साथियों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा संकेत सेफ्टी साइंस कितने प्रकार के होते हैं। साथियों जब अपन सेफ्टी साइंस की बात करें, ये सेफ्टी साइंस जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिशियन के ही काम आए, ये अपनी जीवन शैली में भी बहुत काम आता है, ठीक है साथियों। तो इसलिए आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट आपका दिया है 3 प्रकार के, बी आपका दिया है 2 प्रकार के, सी आपका दिया है 4 प्रकार के और डी आपका दिया है 7 प्रकार के। चलिए जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं अपन। साथियों सेफ्टी साइंस होते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अकॉर्डिंग 4 प्रकार के, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए इसकी डिटेल में आपको बताता हूं कंप्लीट। फर्स्ट आपका है प्रोहिबिटिव, कौन सा है, निदेशात्मक। यह संकेत कुछ क्रियाकलापों को कार्यशाला में न करने की चेतावनी देते हैं, जैसे धूम्रपान नहीं करना, आग न जलाना, जलती आग को जल से न बुझाना, ठीक है, कहीं स्पेशल जगह पर आपको पैदल नहीं चलना। ये संकेत वृत्ताकार लाल बॉर्डर युक्त और लाल रंग की एक क्रॉस पट्टी युक्त होते हैं, ठीक है। मैं आगे आपको इसकी कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं, ठीक है। मध्य का धरातल श्वेत रंग का होता है और उस पर काले रंग से संकेत बनाया जाता है। साथियों ये थ्योरी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, यह आपको आगे आपकी जो टेक्निकल एग्जाम्स होगी ना उसमें आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं होगा, एक जो हमारे थ्योरी के सेशन चल रहे हैं ना उनको आप कंप्लीट एक बार देख लो बस, उसके बाद में आपको पढ़ने की आवश्यकता बहुत कम होगी, ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट सेकंड है आपका मैंडेटरी सकारात्मक, ठीक है। मैंडेटरी में इस प्रकार के संकेतों के द्वारा कार्यशालाओं में अपनाए जाने वाले सुरक्षा साधनों के प्रति आग्रह किया जाता है, जैसे कि दस्ताने पहनकर काम करना, टॉप लगाना, कैप, ठीक है, चश्मा लगाना, जूते, मास्क, सुरक्षा पेटी आदि, ठीक है। ये अपने को इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर आप काम कर रहे हो तो दस्ताने पहन के ही काम कीजिएगा,
यहाँ पर आप काम कर रहे हो तो आप केप लगा के ही काम कीजिएगा, यहाँ पर आप काम कर रहे हो तो मास्क लगा के ही काम कीजिएगा, इस टाइप से ये इंडिकेट करते हैं। तो ये कौन से होते हैं? सकारात्मक, ठीक है, ये मैंडेटरी टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये संकेत कैसे होते हैं? ये संकेत नीले रंग के वृत्ताकार धरातल पर श्वेत रंग से बनाए जाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका सचेतक, वार्निंग टाइप्स, इसको देखते हैं। इस प्रकार के संकेतों के द्वारा कार्यशाला कारीगरों एवं आगंतुकों को खतरों के प्रति सचेत किया जाता है, जैसे विद्युत झटका लगने का, यहाँ पर विद्युत शॉक लग सकता है, आग का, यहाँ पर आग लग सकती है, विस्फोटक का, ठीक है, यहाँ पर विस्फोटक हो सकता है, सिरोपरि भार का, लिफ्ट ट्रक का, लेजर बीम का खतरा आदि। ठीक है, ये संकेत त्रिभुजाकार पीले रंग के धरातल पर काले रंग के बॉर्डर युक्त एवं काले रंग से बनाए जाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट आपका इंफॉर्मेटिव, सूचनात्मक। इस प्रकार के संकेतों के द्वारा कार्यशाला कारीगरों एवं आगंतुकों को सूचना उपलब्ध कराई जाती है, लाइक प्राथमिक चिकित्सा स्थल, पेयजल, पुरुष महिला प्रसादन आदि। ठीक है, यह संकेत वृत्ताकार धरातल पर सफेद रंग से बनाए जाते हैं। साथियों मैं समझता हूं कि आपको यह जानकारी एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्युत झटका लगने का कारण क्या है, विवरण सहित समझाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मैंने सामान्यतः देखा है कि कई स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता विद्युत झटका क्यों लगता है, ये भी नहीं पता उनको। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जब सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह हो जाता है तो हमें झटके का एहसास होता है, यही विद्युत झटका कहलाता है। ठीक है साथियों, इसका मुख्य कारण है विद्युत धारा की तीव्र गति। ठीक है, विद्युत धारा की जो प्रवाह की जो गति है वो कितनी होती है? 3×10⁸। ठीक है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है साथियों, नोट कर लीजिएगा, काफी बार पूछा गया है टेक्निकल एग्जाम में। जो हमारे शरीर और उसमें हो रहे रक्त प्रवाह की गति से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती, इसीलिए अपने को विद्युत का शोक लगता है। ठीक है साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसीलिए अनेक यूरोपीय देशों में जलयानों, थलयानों, वायुयानों, पनडुब्बियों आदि में मेन सप्लाई वोल्टेज का मान 110 रखा जाता है। ठीक है, इसीलिए रखा जाता है ताकि अपने को अगर शोक लग भी जाए तो अपने को ज्यादा खतरा नहीं हो। ठीक है, जिससे कि किसी व्यक्ति को गंभीर विद्युत शोक ना लगे। ठीक है साथियों, समझ लीजिएगा अच्छे से। अपने इंडिया में तो ऐसा नहीं है, लेकिन अदर कंट्रीज में 110 वोल्टेज ही मैक्सिमम रखा गया है। ठीक है, किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगने से कितनी शारीरिक क्षति होती है यह इस बात पर निर्भर करता है कि विद्युत धारा की कितनी मात्रा कितने समय तक उस व्यक्ति के शरीर में से प्रवाहित होती रही। ठीक है साथियों, मैं समझता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा प्रवाह की गति कितनी होती है। मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया है। ठीक है, सभी लोग अपना आंसर दीजिएगा। अभी मैंने बताया था एक सेकंड पहले 3×10⁸, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश व ऊष्मा तरंगों की गति भी इतनी ही होती है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, 3×10⁸
प्रति सेकेंड। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिजली उपकरणों एवं कार्यशालाओं में लगी आग किस श्रेणी में आती है? साथियों यहां पर अपन कर लेंगे अग्नि, ठीक है, अग्नि या आग आप कर लीजिएगा। यहाँ पे टेक्निकल टीम से टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। चलिए अपने बिजली उपकरणों और कार्यशालाओं में जो आग लगती है वह कौन सी श्रेणी में आती है यह आपको बताना है। फर्स्ट आपका दिया है अग्नि श्रेणी डी, सेकंड आपका दिया है अग्नि श्रेणी ए, सी आपका दिया है अग्नि श्रेणी बी और डी आपका दिया है अग्नि श्रेणी सी। सभी लोग अपना आंसर कीजिएगा साथियों। चलिए जल्दी से अपने इसका आंसर देख लेते हैं साथियों। आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। बिजली उपकरणों एवं कार्यशालाओं में लगी आग की श्रेणी डी श्रेणी में आती है, ठीक है। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। श्रेणी ए की अग्नि कौन कौन सी है? लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि में लगी आग बुझाने के लिए शीतल जल की बौछार उपयुक्त रहती है, ठीक है। ए श्रेणी ए में कौन कौन सी आग आती है? लकड़ी, कागज आदि में जो आग लगती है वो श्रेणी ए में इंक्लूड होती है, ठीक है। इसको बुझाने के लिए शीतल जल की बौछार ही उपयुक्त है। अग्नि श्रेणी बी में ज्वलनशील ध्रुवों, टोसों जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगी आग बुझाने के लिए जाग वाले यंत्र, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर्स एवं कार्बन डाइऑक्साइड वाले यंत्र उपयुक्त रहते हैं, ठीक है साथियों। इस प्रकार की आग जल की बौछारों से नहीं बुझती। श्रेणी सी में कौन सी आती है देख लेते हैं। सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी गैस आदि में लगी आग से विस्फोट होने की संभावना भी विद्यमान रहती है। इस प्रकार की आग बुझाने के लिए हो सके तो सप्लाई काट दें, अन्यथा चेतावनी घंटी बजा दें और अग्निशमन विशेषज्ञों को बुलाएं। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए शुष्क चूर्ण वाले यंत्र उपयुक्त रहते हैं, ठीक है साथियों। श्रेणी डी बिजली के तारों, उपकरणों एवं अन्य धात्विक पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या शुष्क चूर्ण एवं CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र उपयुक्त रहते हैं, ठीक है साथियों। जो बिजली के तारों और बिजली से संबंधित कोई भी कार्यशाला हो, उपकरणों आदि में जो आग है वो उसको डी श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। चलिए इसके अतिरिक्त शुष्क रेत भी प्रयोग की जा सकती है। छोटी मोटी आग जो लगती है उसके लिए अपन ड्राई रेत भी यूज कर सकते हैं। जाग वाले यंत्र अथवा जल की बोचार वाले यंत्र का प्रयोग इस प्रकार की आग बुझाने के लिए नहीं करना चाहिए, ठीक है साथियों। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका मानकीकरण क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइजेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। इसको देखते हैं भारत वर्ष में SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के आधार पर वर्ष 1969 में ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने मानकों के निर्धारण का कार्य प्रारंभ किया था, ठीक है। उक्त संस्थान का यह कार्य मानकीकरण कहलाता है। साथियों अच्छे से नोट कर लीजिएगा मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है, और कब से ये किया गया है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा करना, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट।
इससे संबंधित कुछ नियम हैं वो देख लेते हैं। रिलेटेड रूल इस विषय में आईएसआई ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं जो इस प्रकार है, ठीक है। ये रूल आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। मात्रक प्रतीकों के एकवचन तथा बहुवचन एक ही होते हैं, ठीक है साथियों। मात्रक के जो प्रतीक होते हैं वो बहुवचन सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं, जैसे 5 MA, ठीक है, 10 volt या 100 watt या 20 kg किलोग्राम, ठीक है। मात्रक प्रतीक के बाद पूर्ण विराम चिन्ह नहीं लगाया जाता। साथियों ये बेसिक जानकारी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। मैंने अक्सर देखा है काफी कॉलेजेस में मैं गया हूं, वहां पर छात्रों को थ्योरी के नाम पे बुक्स ही अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। पढ़ाना तो दूर की बात, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे जो थ्योरी के जो सेशंस हैं उनको बारीक से पढ़ लोगे ना, उसके बाद में आपको आगे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे 12 वोल्ट 100 वोल्ट 40 किलोग्राम आदि। एक से अधिक शब्दों वाले पदों के छोटे नामों एब्रीवेशंस में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। साथियों नोट कर लेना, अभी तो मैंने बोला था पूर्ण विराम चिन्ह नहीं लगाया जाता, और अब मैं बोल रहा हूँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है, तो इसका डिफरेंस आप नोट कर लीजिएगा, है ना। जैसे EMF, ये जो नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको अपन ऐसे लिख देंगे ना तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसको नॉलेज नहीं है, या फिर आप ऐसे लिखोगे तो वो समझ जाएगा इसको नॉलेज है पूरा, ठीक है। PD आदि। नेक्स्ट आपका AC तथा DC जैसे छोटे नामों एब्रीवेशंस का केवल विशेषण के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे AC सर्किट, DC सर्किट, DC मोटर आदि, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट आपका अग्निशामक यंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपना अपना आंसर कीजिएगा। साथियों मैं आपको थ्योरी जो पढ़ा रहा हूं ना वो उसको मैं क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, और साथ में आपको कंप्लीट डिटेल भी मैं दे रहा हूं, ठीक है। आपको इतनी लंबी चौड़ी रामायण पढ़ने से आपको खुद ही बोर हो जाओगे, ठीक है, इसीलिए मैं इस टाइप से इसको मॉडिफाई करके आपको दे रहा हूं। चलिए फर्स्ट आपका दिया है 2 प्रकार के, सेकंड आपका दिया है 3 प्रकार के, सी आपका दिया है 5 प्रकार के, और डी आपका है 4 प्रकार के। चलिए अपन जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। साथियों जो अग्निशामक यंत्र है फायर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट, वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं दूंगा आपको 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। चलिए साथियों इसका इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए। यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तुओं पर द्रव, गैस या चूर्ण का छिड़काव किया जा सकता है, और जल रही वस्तु की ऑक्सीजन सप्लाई काटकर आग बुझाई जा सकती है। जैसा कि आप सबको पता है आग को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर अपन ऑक्सीजन सप्लाई काट देंगे ना, ये यहां पर सपोज करो कोई जगह है उसमें आग लग गई, ठीक है, तो अपन सीधा सीधा फंडा यह है कि इसकी ऑक्सीजन सप्लाई आप काट दो तो आग बुझ जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए इसके द्वारा छिड़का जाने वाला द्रव, गैस या चूर्ण स्वयं ज्वलनशील नहीं होता है, ठीक है, और न ही ज्वलन में सहायक होता है। अग्निशामक यंत्र मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। साथियों आपको ये हमारा सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप इसे लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट
फर्स्ट आपका है जल युक्त अग्निशामक यंत्र, वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशिंग इंस्ट्रूमेंट। इस प्रकार के यंत्र में वायु दाब के साथ जल भरा होता है, एक लीवर को दबाने से जल की बौछारें इंक्रीज होती है जिसके द्वारा आग बुझाई जा सकती है। लीवर को छोड़ते ही जल की बौछारें रुक जाती है, इस प्रकार जल अनावश्यक रूप से व्यय नहीं हो पाता। ठीक है, इस यंत्र का उपयोग श्रेणी ए की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सेकंड, ये हो गया आपका फर्स्ट, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको हमारे सेशन की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो हमारा एक सेकेंडरी चैनल है सुदामा सर, है ना, वहां पर आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए और वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, जाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र के बारे में अपन देखते हैं। होम टाइप 5 एक्सटिंग्विशिंग इंस्ट्रूमेंट, इस प्रकार का यंत्र जल की बोचारों के साथ साथ जाग भी प्रेशर के साथ पैदा करता है। ठीक है, जाग बनाने के लिए इसमें खनिज तेल साबुन आदि पदार्थों का वायुदाब के साथ जल में मिश्रित करके भरे जाते हैं। यंत्र का लीवर दबाने पर जल मिश्रित करके जाग पैदा करके जलती हुई आग वस्तु की ऑक्सीजन सप्लाई काटकर आग बुझा देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आप लीवर को दबाओगे ना तो जल के साथ में जाग निकलेंगे बहुत स्पीड से। ठीक है, तो वो क्या है कि बहुत दूर तक जा सकता है, इस टाइप से उसमें निकलते हैं, तो वो क्या है कि ऑक्सीजन सप्लाई काट देते हैं आग पर एकदम चारों तरफ से कवर करके। ठीक है, इसका उपयोग श्रेणी बी की आग बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट आपका शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र, ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशिंग इंस्ट्रूमेंट। इस प्रकार के यंत्र में जल के स्थान पर वायु दाब के साथ चूर्ण भरा होता है, यह चूर्ण ज्वलनशील नहीं होता है और न ही ज्वलन में सहायक होता है। ठीक है साथियों, यंत्र का लीवर दबाने पर चूर्ण जलती हुई वस्तु पर गिरता है और ऑक्सीजन सप्लाई काटकर आग को खत्म कर देता है। इसका उपयोग श्रेणी सी आग बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, टाइप फायर एक्सटिंग्विशिंग इंस्ट्रूमेंट, इस प्रकार के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट घोल भरा होता है। नोटेड द पॉइंट स्टूडेंट्स, काफी बार पूछा गया है कि इस इंस्ट्रूमेंट में क्या भरा होता है ना, तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको मैं दे रहा हूं, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। इस कांच की बोतल में गंधक तनु अम्ल H2SO4 भरा होता है। इसमें क्या होता है, दो सेगमेंट इसमें होते हैं, कौन कौन से, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका घोल होता है और सेकेंडरी एक कांच की बोतल इसमें इस टाइप से इंस्टॉल होती है ना, उसमें क्या होता है, गंधक तनु अम्ल। ठीक है, और उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, जैसे ही अपने को इसका उपयोग करना होता है तो इसको आप फर्श पे डालो, पटको एक बार तो कांच की बोतल टूट जाती है, उसमें से तनु गंधक अम्ल निकलकर सोडियम बाइकार्बोनेट के संपर्क में आता है। ठीक है, उसके संपर्क में आते ही ये दोनों क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, चलिए मैं समझता हूं कि ये आपको इसकी पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। चलो देखते हैं, बोतल के ऊपर एक धात्विक बोल्ट इस प्रकार लगाया जाता है कि यंत्र को उल्टा करके फर्श पर पटकने से कांच की बोतल टूट जाती है। ठीक है ना, अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के संपर्क में आता है, दोनों पदार्थों में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप तीव्रता से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती है, आप सभी जानते हो, ना ही जलने वाली वस्तुओं की
ऑक्सीजन सप्लाई काटकर आग को बुझा देती है, ना तो ये खुद जलने में सहायक है और ना खुद ज्वलनशील है। ठीक है, चलिए इसका उपयोग डी श्रेणी, अपने लिए डी श्रेणी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्थात विद्युत कारों उपकरणों आदि में लगी आग बुझाने के लिए किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र, ठीक है, ताकि ये है आपका पांचवा। चलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र जो है, इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड गैस होती है अथवा ब्रोमो क्लोरो डीफ्लोरो, ठीक है, नामक द्रव वायु दाब के साथ भरा हुआ होता है। यंत्र का लीवर दबाने पर वायु मिश्रित द्रव का छिड़काव प्रारंभ हो जाता है। इस यंत्र का उपयोग सामान्यतया सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जा सकता है। साथियों यह इंस्ट्रूमेंट एक मॉडर्न टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, आधुनिक अग्निशामक यंत्र है, ठीक है, जो सभी जगह काम में इसको अपन ले सकते हैं। यह द्रव जलती हुई वस्तु को ढक लेता है, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई काटकर तुरंत ही आग को बुझा देता है। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। साथियों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत लाइन में स्विच कौन से तार पर लगाया जाता है। बहुत इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है। फर्स्ट आपका दिया है न्यूट्रल पर, सेकंड आपका दिया है अर्थिंग पर, और सी आपका दिया है फेज पर, और डी आपका दिया है उपरोक्त सभी पर। साथियों जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिएगा, आपके अपने सभी घरों में स्विच लगते हैं, तो वो जो स्विच का कंट्रोल जो होता है वो कौन से वायर से करते हैं, ये अपने को बताना है। जल्दी से बताएंगे सभी। चलिए इसका आंसर अपन देख लेते हैं। साथियों साथियों विद्युत लाइन में हमेशा स्विच फेज तार पर लगाया जाता है, ठीक है, अगर आप गलती कर रहे हो, आप अगर न्यूट्रल पे भी लगा दोगे ना तो विद्युत सप्लाई कंट्रोल तो होगी लेकिन प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अपन जब उसको ऑफ कर देंगे ना तब भी उसमें फेज लाइव रहेगा, ठीक है, वो दो काम करेगा, दो क्या करेगा, एक तो इंस्ट्रूमेंट को खराब कर सकता है और क्या करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी की खपत करेगा अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से वो विद्युत खर्च करेगा, इसलिए अपन स्विच है ना हमेशा फेज तार पर ही लगाते हैं। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। साथियों नेक्स्ट है आपका वैद्युतिक उपकरणों की बॉडी को अर्थ क्यों किया जाता है। आप सबको पता है, थंब करके बताएंगे किन किन को पता है क्यों किया जाता है। चलिए इसको देखते हैं साथियों, वैद्युतिक उपकरणों की धात्विक बॉडी को अर्थ कर देने से विद्युत झटका लगने की संभावना काफी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई? चलिए यदि किसी कारणवश फेज तार बॉडी को स्पर्श करने लगे तो अर्थ होने के कारण फ्यूज जल जाएगा और मैकेनिक को बॉडी स्पर्श करने पर भी विद्युत शॉक नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि जब बॉडी में फेज स्पर्श करेगा तो ये क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे कम प्रतिरोध वाला रास्ता ढूंढती है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट पृथ्वी में जाएगी और पृथ्वी में जाएगी तो जो टेक्नीशियन है, जो विद्युतकार है, उसको शॉक तो लगेगा बट उसको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये अर्थ बहुत जरूरी हो जाता है। आपने देखा होगा कभी भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट लाते हो ना, वॉशिंग मशीन फ्रिज वगैरह, तो उसमें तीन सॉकेट आपको दिखते हैं, है ना, एक तो मोटा वाला होता है और दो छोटे वाले होते हैं। तो आपने कभी सोचा है ये मोटा वाला क्या काम आता है? ये तो फेज के लिए हो गया,
ये न्यूट्रल के लिए हो गया, ये क्या आता है, क्यों आता है ये साथियों? यह इसीलिए आता है, ये अर्थिंग के लिए काम आता है, ठीक है ना, इकाई के लिए काम आता है, अर्थिंग के लिए काम आता है। लेकिन ये तभी काम आएगा तब अपना सॉकेट जो है इसको अपन जहां से सप्लाई देंगे ना वहां पर भी वो इसका जो अपना फीमेल है ना उसमें अर्थिंग वायर कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, अन्यथा वो वैसे ही अगर दिखने का ही लग रहा हो ना तो कोई काम का नहीं है, ठीक है। इस टाइप से ये अर्थिंग एकदम प्रॉपर कनेक्ट तभी हो पाएगी तब उसका वायर एकदम अर्थिंग से कंप्लीट कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट, साथी नेक्स्ट आपका प्राथमिक उपचार से क्या समझते हो आप? प्राथमिक उपचार क्या है, इसका क्या तात्पर्य है? सबसे पहले किया गया उपचार प्राथमिक उपचार, ठीक है। अपन इसको अपन सीधी भाषा में ये बोल सकते हैं, डॉक्टर के आने से पहले जो उपचार किया जाता है वह प्राथमिक उपचार कहलाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। फर्स्ट एड जो है किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का डॉक्टर के आगमन से पूर्व किया जाने वाला प्राथमिक उपचार कहलाता है। इस कार्य के लिए कार्यशाला में फर्स्ट एड बॉक्स, स्ट्रेचर आदि वस्तुएं आवश्यक रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए। विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए किसी सहायक के द्वारा डॉक्टर को बुलवाए और डॉक्टर के आने से पहले निम्न प्राथमिक उपचार प्रारंभ करें, ठीक है। पीड़ित के चारों ओर से भीड़ हटा दें इससे कि उसे स्वच्छ वायु मिल सके, है ना। सेकंड क्या करना है अपने को, पीड़ित के मुंह से नकली दांत, पान, तंबाकू आदि निकाल दें जिससे कि उसे श्वास लेने में कोई समस्या ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, पीड़ित के छालों अथवा जले अंगों को स्वच्छ कपड़े या कागज से ढक दे जिससे कि उन पर मक्खी मच्छर आदि न बैठे, पीड़ित के शरीर में अन्य बीमारियां ना फैल सके, ठीक है। पीड़ित यदि कमरे में हो तो खिड़की दरवाजे आदि खोल दें जिससे कि स्वच्छ वायु का निर्बाध्य आवागमन हो सके। पीड़ित को सर्दी के मौसम में सर्दी से बचाएं, उसे पलंग, दरी, चटाई आदि पर लिटाकर कंबल ओढ़ा दें परंतु उसका मुंह घुघड़ा रखें, ठीक है। पीड़ित को यदि श्वास लेने में कठिनाई प्रतीत होती हो तो कृत्रिम श्वास क्रिया प्रारंभ कर दें। साथियों मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगा कृत्रिम श्वास क्रिया क्या होती है, किस प्रकार की होती है, ठीक है। इसकी जो टिप्पणी भी दी है, पीड़ित को पलंग, दरी आदि पर लिटाने से उसके शरीर में एकत्र विद्युत जो है धीरे धीरे विसर्जित हो जाती है, ठीक है साथियों। ये सारे अपने को ये काम करने हैं किसमें, प्राथमिक उपचार के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कृत्रिम श्वास क्रिया कितने प्रकार की होती है। कृत्रिम श्वास क्रिया आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन इसको बोलते हैं अपन, ठीक है। इसकी विधियां मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है, एक होती है सिल्वेस्टर विधि, ठीक है, और दूसरी होती है सेफर विधि, और तीसरी होती है मुंह से मुंह, इसको अपन बोलते हैं मुख से मुख, ठीक है। चलो इसको अपन देख लेते हैं साथियों। सिल्वेस्टर विधि, इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटा दिया जाता है, उसकी पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है जिससे कि उसका सीना कुछ ऊपर उठ जाए और सिर कुछ नीचा हो जाए। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़े हों, ठीक है। इसकी भी कंडीशन है, इसकी पहली स्थिति कौन सी है, फर्स्ट पोजिशन, पीड़ित के सिर के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाए, उसके दोनों हाथों की आधी मुट्ठी बांधकर हाथों को सीधा फैला दें। अब पीड़ित के दोनों हाथों को धीरे धीरे मोड़कर उसके सीने पर लाएं, ठीक है। आप चित्र ये देख सकते हो। सेकंड पोजीशन है, प्रथम स्थिति में अपने हाथों से पीड़ित के सीने पर कुछ दबाव डालें, दो तीन सेकंड बाद दबाव हटा लें,
पीड़ित के आंतों को उसकी सिर की ओर फैला दें और मुट्ठियां खोल दें, ऐसा बार बार करें। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो इस कंडीशन में ऐसा ही करना है। उपरोक्त क्रिया को 10-12 बार प्रति मिनट की दर से दोहराएं जब तक कि उसकी श्वास क्रिया सामान्य न हो। ठीक है, जब पीड़ित के सीने पर दबाव डाला जाता है तो फेफड़ों के अंदर की वायु बाहर निकलती है और दबाव हटाने से बाहर की ताजी वायु फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है। इससे क्या होता है, पीड़ित को श्वास लेने में सहायता मिलती है। ठीक है, चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। साथियों, आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है क्या, एक बार बताएंगे मुझे। नेक्स्ट है सेफर विधि। ठीक है, इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटा दिया जाता है, उसके सिर को किसी एक करवट कर दिया जाता है, पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रख दिया जाता है। यह विधि तब प्रयोग करते हैं अपन जब पीड़ित की पीठ पर छाले पड़े हों। ठीक है, इसकी फर्स्ट पोजीशन है पीड़ित के घुटनों के पास, घुटनों के बल अपन बैठना है पहले की जैसे ही। अपने दोनों हाथ पीड़ित की पीठ पर इस प्रकार रखें कि दोनों हाथ सीधे रहें और चारों अंगुलियां आपस में मिली रहें, वे अंगूठे से समकोण बनाएं। ठीक है, जैसा कि इसमें आप देख सकते हो चित्र दिया हुआ है। सेकंड पोजीशन इसकी है, इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए पीड़ित की पीठ पर बाल डालें, 2-3 सेकंड बाद दबाव को हटा लें, अपने दोनों हाथों को सीधा कर दें। ठीक है, सेकंड चित्र आप देख सकते हो। उपरोक्त क्रिया को 10-12 बार प्रति मिनट की दर से तब तक दोहराएं जब तक कि उसकी श्वास क्रिया सामान्य न हो। ठीक है साथियों, चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। साथियों, नेक्स्ट विधि है माउथ टू माउथ। ठीक है, पीड़ित को पीठ के बल लिटा दें, अब पीड़ित की पीठ के नीचे तकिया लगा दें जिससे कि उसका मुंह थोड़ा पीछे की ओर लटक जाए, पीड़ित का मुंह अच्छी तरह साफ कर लें। ठीक है साथियों, इस विधि से करने से पहले अपन उसके पीड़ित के मुंह पे या तो अपन कोई कपड़ा भी लगा सकते हैं, और इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी आजकल आने लग गया, तो वो क्या करता है, मुंह से मुंह उसमें स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है, बीच में दोनों मुंह के बीच में उस इंस्ट्रूमेंट को लगाते हैं, है ना, और उससे उस पीड़ित को अपन सांस उसकी प्रक्रिया में सहायता करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। ठीक है साथियों, आप पढ़ लेंगे, मैंने कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दे दी है। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स, निम्न शब्दों के पूर्ण रूप लिखिए। साथियों, इस अध्याय में ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, BIS, ISO, ISI और ASE है। ठीक है, इसका अपने को फुल फॉर्म आनी चाहिए। BIS की फुल फॉर्म होगी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ISO की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्डर, और ISI की हो जाएगी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, और ASE की फुल फॉर्म होगी एशियन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। ठीक है साथियों, चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। साथियों, नेक्स्ट है आपका विद्युत कार्यशालाओं में आग लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है साथियों, मैंने कंप्लीट डिटेल यहां पर दे रखी है, उसको आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था अग्निशामक यंत्र के बारे में। ठीक है, यहां पर आप इसके आग लगने के कारण क्या क्या हो सकते हैं कंप्लीट आप यहां से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्विच किस प्रकार सर्किट उपकरण की सुरक्षा करता है। सभी के घरों में लग रहा है स्विच, सभी आंसर कीजिएगा जल्दी, मैं देखता हूं कौन कौन आंसर और कैसा आंसर करता है। ठीक है, चलिए सर्किट या उपकरण में शॉर्ट सर्किट के कारण निर्धारित मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ऐसी स्थिति में फ्यूज तार पिघल जाता है,
क्योंकि उसकी रेटिंग जो है उस रेटिंग तक ही उसमें विद्युत धारा प्रवाह हो सकता है, ठीक है, इसलिए पिघल जाता है। दिमाग में है ना, आप जो भी कोई चीज पढ़ो उसके लिए क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो उसका आपको आंसर मिलना चाहिए, तब आपका सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, फ्यूज तार पिघलकर सर्किट को तोड़ देता है, इस प्रकार अधिक विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो पाता और सर्किट उपकरण सेफ रहता है, ठीक है साथियों। साथियों आपको सेशन अगर पसंद आया हो तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपको किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी हो या कुछ जानना हो आपको, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारा एक सेकेंडरी चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना, वहां पर आप जाके और इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है साथियों। अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इससे नेक्स्ट सेशन होगा आपका इसका एमसीक्यू, ठीक है। चलिए साथियों, एक नेक्स्ट स्लाइड और है, विद्युत सर्किट में फ्यूज क्यों लगाया जाता है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे मुझे, ठीक है, तभी मैं इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। विद्युत सर्किट में के और हमारे सभी के घरों में लगा हुआ है फ्यूज, वो क्यों लगाते हैं, ठीक है। चलिए